अस्सलामुअलैकुम। आज एचआर बेसिक की फंक्शंस में हम बात करेंगे रिवॉर्ड्स में। वन ऑफ माय फेवरेट एंड सब एम्प्लॉई का जो है वन ऑफ द फेवरेट, क्योंकि सारे एम्प्लॉई जो है अब दिल से काम करते हैं एंड आर वेटिंग फॉर दिस कि मुझे रिवॉर्ड क्या मिलेगा, जो कि गलत बात नहीं है। एक प्रोफेशनली हम काम करते हैं रिवॉर्ड के लिए। सो आज हम इस रिवॉर्ड पर बात करेंगे एंड रिवॉर्ड इज़ नॉट ओनली अबाउट सैलरी कि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट में होगा। अदर देन सैलरी दो ये पैकेज अच्छा होना चाहिए, बट अदर देन सैलरी आपका एम्प्लॉई का आपने जो है उसका ओवरऑल कंपनसेशन पैकेज जिसको बोलते हैं, आपने डिफरेंट चीज़ें जो मैंने अपने साथ नोट डाउन भी की है कि आपके एम्प्लॉई का जो कैरियर पाथ वाली बात मैंने कही थी कि कैरियर ग्रोथ कैसा है, कैरियर ग्रोथ कैसा है, दिस इज़ आल्सो जो है रिवॉर्ड्स में आता है। आप उसको सैलरी इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन आपने उसका ग्रेड जो है सेवन रखा है एंड में आपने टिश्यू पेपर की तरह ज़ाया कर दिया, आपने उसको रिवॉर्ड नहीं दिया। सैलरी इंक्रीज़ करना इज़ नॉट ओनली द रिवॉर्ड। आपका जो है एम्प्लॉई को रिकग्निशन दो, रिकग्नाइज करो, उसको स्टेटस दो, उसको रिस्पेक्ट दो, उसको उसके काम का सिला दो। दीज आर द बेसिक चीज़ें। नहीं दोगे उसको मोटिवेशन, उसको यही होगी मैं एक दफ़ा फिर रिकग्नाइज करो, स्टेटस दो, रिस्पेक्ट दो, उसके ओपिनियन को रिस्पेक्ट दो, उसके बातों को इम्पोर्टेंस दो। वो गलत कर रहे हैं उसको सही डायरेक्शन पे लेके आओ, वो उल्टा जा रहा है उसको सही करो, लात मार के बाहर ना। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन एज ए टिश्यू यूज़ ना करो। अपने एम्प्लॉई को डेवलप करो और उसके साथ काम करो, फिर देखो प्रोडक्टिविटी कैसी बढ़ जाती है। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, इनसाइड एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाओ, फैमिली एनवायरनमेंट में प्रेशर कुकर ना बनाओ। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में वन मैन शो है और प्रेशर कुकर बनाए हुए, उसको जॉब सिक्योरिटी दो, जो कि कोविड के बाद और कोविड सिचुएशन में कुछ मल्टीनेशनल पाकिस्तान के अंदर परमानेंट जॉब्स हैं। आपको 3 बजे मीटिंग करो, 4 बजे फारिग करो, जॉब सिक्योरिटी दो और जो है उसको फीडबैक दो फॉर द इम्प्रूवमेंट, कि इम्प्रूवमेंट कैसे वो लेके आ सकता है। उसको अगर क्रिटिसाइज ना करो, उसको फीडबैक दो रेगुलरली, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े बंद ना करो। अगर यहाँ पे लोकल आपके मर्दान ऑफिस में लर्निंग नहीं हो रही, उसके इस्लामाबाद भेजने का अपॉर्चुनिटी है तो भेजो, वहाँ जाके सीखे। कोचिंग एज अ मेंटोर के तौर पे दूसरे डिपार्टमेंट भेजो, प्रोजेक्ट बेस भेजो, एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट करो। ये डिफरेंट चीज़ें जो लीडर्स को समझ आती है, मैनेजर्स बैड मैनेजर्स को समझ नहीं आती। और इसमें एक दूसरी चीज़ भी है कि आपका जो टैलेंट मैनेजमेंट है, टैलेंट टूल जो है वो होना चाहिए। आपका एक टैलेंट टूल या सॉरी टैलेंट पूल के आपको रिसोर्स जो है इसी टैलेंट पूल के अंदर मिल जाए। और अगर ये डिपार्टमेंट में कोई वो चेयर रोटेशन, जॉब रोटेशन, अगर ये डिपार्टमेंट किसी की कमी है तो आपके यहाँ से मूव इजीली हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों में नहीं है। इन शॉर्ट ये वीडियो में शॉर्ट बने, थोड़ा सा लंबा गया। रिवॉर्ड यूर एम्प्लॉय, रिस्पेक्ट यूर एम्प्लॉय, कंपेंसेट हिम, दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस। विद दिस नोट मुझे आज की वीडियो से दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल नई वीडियो नए टॉपिक के साथ अलग की फंक्शन के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।